आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक इवेंट्स है, इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इवेंट्स जब हमने जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें भी देखा था कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स को हैंडल कर सकती है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि इवेंट्स होते क्या हैं, तो अभी हम इवेंट्स को ही सीखेंगे। इवेंट्स के थ्रू हम अपने पेज को, कोई वेब पेज हमने क्रिएट किया तो हम उसे डायनेमिक बना सकते हैं और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, और जो यूजर कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है, वेब पेज के अंदर कोई एक्टिविटी चाहता है तो उसका रिस्पॉन्स भी हम इवेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में बेसिक जो इवेंट्स हैं वो थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इसमें माउस इवेंट्स, दूसरा कीबोर्ड इवेंट्स और तीसरा है विंडोज इवेंट्स। तो माउस इवेंट्स के अंदर जो आते हैं वो है क्लिक। क्लिक को हम ऐसे लिखेंगे, ऑन क्लिक, मैंने सब लिखा है, आप इसको देख लीजिए, बस आगे प्रैक्टिकल में से कवर करते हैं। फिर आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक को हम लिखेंगे ऑन डीबीएल क्लिक। कहाँ पे लिखना है ये अभी आप देखेंगे। उसके बाद आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक के लिए ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। माउस अप के लिए ऑन माउस अप। माउस होवर के लिए ऑन माउस एंटर। माउस आउट के लिए ऑन माउस आउट का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो कीबोर्ड इवेंट्स हैं ये आपके बॉडी और फॉर्म के अंदर ही चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे अभी देखते हैं। की प्रेस और की अप, ये कीबोर्ड इवेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट हम माउस इवेंट्स को क्रिएट करते हैं, उससे समझते हैं कि इवेंट्स को कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल बी से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल बी, ये आपने इसमें देखा होगा, ये देखिए, और हटाने के लिए कंट्रोल बी का यूज किया जाता है। सेव करता हूँ और इसको चला लेता हूँ एक बार। ठीक है, पेज को, तो मैंने पेज को लोड यहाँ पे करा लिया, अभी कुछ नहीं है। तो फर्स्ट इवेंट हम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट है हमारा माउस का। ठीक है, ऑन क्लिक, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप स्क्रिप्ट लिखिए और उसमें एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। हमें ये, हम इन्हें फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो फंक्शन के अंदर मैंने लिखा, फंक्शन आप सीख चुके हैं, फंक्शन कोई एबीसी क्रिएट किया मैंने और उसके अंदर दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो ब्रदर। ठीक है, हेलो ब्रदर करके मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अगर मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूं तो फंक्शन सीधे चल जाएगा, बट हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, इवेंट्स। तो हम इसे इवेंट क्रिएट करने के लिए स्क्रिप्ट के नीचे आएंगे, HTML में एक बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब एक बटन क्रिएट करेंगे क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज HTML के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो बटन के अंदर हम ऑन क्लिक लगाएंगे। ठीक है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है हम जब क्लिक करेंगे किस पे, माउस पे, तो हमारा फंक्शन एबीसी जो हमने ऊपर फंक्शन लिया है ये कॉल हो जाएगा नीचे। ठीक है, अभी ये कॉल हो गया, लेकिन हम किस किस पे करेंगे इसको, तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा, क्लिक मी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे क्लिक मी क्यों लिखा, तो मैं इसे ब्राउजर पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए, मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक मी आ गया। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या लगी है, बटन पे ऑन क्लिक एबीसी क्लिक मी। थोड़ा बटन यहाँ पे हो रहा है, तो बटन को स्टाइल से हम थोड़ा इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा CSS भी याद आ जाएगी। ठीक है, तो स्टाइल इसको मैं देता हूँ, पहले बटन को कोई क्लास दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्लास दे दी बटन btn। अब क्लास क्यों देते हैं ये आप पिछली वीडियोज में सीख चुके हैं। अब हम यहाँ से इसे क्लास से सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास इज अ सिलेक्टर। ठीक है, तो मैं btn करके लिया, उसको मैंने मार्जिन दे दी, सॉरी मैक्स रेजोल्यूशन आ गया, मार्जिन, तो मार्जिन दी मैंने 30%। ठीक है, मार्जिन 30% होगी। इसके बाद मैं देता हूँ इसकी विड्थ, तो मैंने विड्थ दे दी इसको 150px, हाइट दे दी 50px। ठीक है, और क्या इसमें, और क्या दे सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं इसको हम 2px, सॉलिड रेडी दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बॉर्डर से, और इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, जो ऑलरेडी ब्लैक होगा, लेकिन मैंने फिर से ब्लैक दे दिया, कोई बात नहीं। कर्सर इसको पॉइंटर कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर, और बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं 5px का। एक एक चीज आप CSS में सीख चुके हैं, मार्जिन से वो थोड़ा इधर आ जाएगा, विड्थ बटन को विड्थ मिल जाएगी, हाइट से हाइट मिलेगी, बॉर्डर लग जाएगा 2px का, कलर ब्लैक पहले से है बट मैंने दे दिया था, कर्सर एक पॉइंटर है, अभी आप देखेंगे क्या है, बॉर्डर रेडियस 5px। बॉर्डर रेडियस का मतलब बॉर्डर थोड़ा घूम जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, देखिए क्या क्या था, बॉर्डर रेडियस नई चीज थी, तो ये बॉर्डर रेडियस से लगी है, और क्या था इसमें, हाइट विड्थ आप जानते ही हैं। तो अब क्या है इसमें, ऑन क्लिक, देखिए मैं माउस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या आया, हेलो ब्रदर। ठीक है, फिर से दिखाऊं आपको, रिफ्रेश किया मैंने, माउस पे क्लिक किया,
हेलो ब्रदर, अगर मैं इसे अलर्ट पे दे दूं, ये आप सीएसएस को हटा दीजिए, अब ये मैंने जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है ना, इसको अलर्ट पे देता हूँ। अलर्ट का मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख लेंगे, अलर्ट एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा ठीक है ऊपर पे। जैसे रिफ्रेश किया, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए मैं जब माउस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या ऊपर आया, हेलो ब्रदर ठीक है। फिर क्लिक करेंगे तो देखिए हेलो ब्रदर। तो ये है ऑन क्लिक प्रॉपर्टी और अलर्ट के थ्रू कैसे करते हैं। अब देखते हैं डबल क्लिक कर का, सॉरी डबल क्लिक किया है तो ऑन डीबीएल है ना, ऑन डीबीएल क्लिक, सेम प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंगल क्लिक कीजिए, कुछ नहीं होगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर से अलर्ट बॉक्स बन के आएगा। ये होगी डबल क्लिक की। और क्या थी हमारी, राइट क्लिक, तो राइट क्लिक के लिए क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेनू ठीक है। आपको केवल आधा लिखना है, बाकी तो आपको ये वैसे ही दिखा देगा। ऑन क्लिक आ गया देखिए ऊपर से ठीक है, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू है ना, कॉन्टेक्स्ट मेनू, ये देखिए कॉन्टेक्स्ट मेनू पे क्या कहेगा आपको। मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कुछ नहीं हुआ, सिंगल क्लिक पे भी कुछ नहीं हुआ, डबल क्लिक पे भी कुछ नहीं। और देखिए मैं राइट क्लिक करूंगा तो ऊपर से अलर्ट बॉक्स आ गया ठीक है। तो ये जब आप माउस को, माउस के राइट क्लिक, राइट बटन को क्लिक करेंगे तो तब ऐसा होगा ठीक है। और क्या है, माउस अप, ऑन माउस अप है, माउस अप के लिए आपने पहले देख, मैंने हटा दिए बट आपने देख लिए होंगे, ऑन माउस अप ठीक है। ऑन माउस अप में क्या होता है, ये देखिए मैं माउस को ले गया, क्लिक किया तो देखिए ऑन माउस अप में ऐसे आएगा ठीक है। आप किसी भी चीज को क्लिक करेंगे तो ये जैसे क्लिक, आप इसको समझ लीजिए किसको, ऑन क्लिक की तरह काम करेगा ठीक है। अब है ऑन माउस डाउन, ऑन माउस डाउन, तो ऑन माउस डाउन में कैसे हो रहा है, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी है ठीक है। उसके बाद क्या है, माउस ओवर, माउस ओवर के लिए क्या है, माउस एंटर। तो जब आप माउस को एंटर करेंगे ठीक है, आप माउस देखिए, मैं माउस को इसको हटाया, मैंने एंटर किया तो ऊपर से आ जाता ठीक है, मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ ठीक है। ये देखिए नॉर्मली माउस को उसके ऊपर ले जाऊंगा तो वो आ जाए ठीक है। ये होवर प्रॉपर्टी होती है, ये आप जानते हैं, सीएसएस में आपने ये भी देखी थी। और क्या, माउस आउट, ऑन माउस आउट, तो जब मैं माउस को उससे हटाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी ठीक है। देखिए मैं माउस को ले गया, कोई जब मैं ले जा रहा हूँ कुछ नहीं हुआ ना, अब मैं हटा रहा हूँ देखिए। तो ये थे कि आपके माउस इवेंट्स, तो आप इनको लगा के अपने पेज को अट्रैक्टिव और डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। इनका जितना यूज करेंगे आप देखेंगे आगे बहुत ज्यादा यूज होगा इनका। तो क्या क्या सीखा हमने इसमें, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस अप, माउस डाउन, माउस ओवर और माउस आउट ठीक है। अब देखते हैं की, मतलब कीबोर्ड प्रेस पे कैसे, कीबोर्ड की कोई की प्रेस करेंगे तो ये किस तरीके से काम करेगा ठीक है। तो कीबोर्ड के लिए बटन को हटा देंगे आप, क्योंकि ये केवल फॉर्म और बॉडी के अंदर काम करता है ठीक है। और जो फंक्शन ये क्रिएट किया ना, इसको यहाँ पे से हटा के हम हेड के अंदर ले लेते हैं और स्टाइलिंग में हटा देता हूँ ठीक है। ये मैंने केवल आपको थोड़ा बहुत सिखाने के लिए लगाई थी कि आपको याद रहेगी सीएसएस हल्का फुल्का। और ये स्टाइल को भी मैं हटा देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, कीबोर्ड में यहाँ पे आपको बॉडी में, ये बॉडी और फॉर्म के अंदर काम करती है केवल कीबोर्ड वाली इवेंट्स ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मली जैसे मैंने माउस के ऊपर लगाई थी ऐसे आप अंदर यूज नहीं कर सकते। तो कीबोर्ड में क्या है, ऑन की प्रेस ठीक है, ऑन की प्रेस। आगे देखिए ऑन की अप, की डाउन, की अप की डाउन मतलब जो आपके इसमें एरो बने हैं ना कीबोर्ड पे, तो उनके थ्रू होती है ठीक है। हम की प्रेस को देखेंगे इसमें, आप माउस की कोई भी की को, सॉरी कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस करेंगे तो आपका ये इवेंट्स कॉल होगा ठीक है। तो क्या है, फंक्शन कॉल, आप फंक्शन को ही करेंगे ठीक है। ये मैंने किया और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया प्रेस कीबोर्ड की ठीक है, प्रेस कीबोर्ड की। तो इसे सेव करता हूँ, आप देखिए अभी तक तो आपका जो पुराना था वो चल रहा है, इसे हटाइए। क्या है, ऑन कीबोर्ड की, आप कीबोर्ड की कोई भी की को प्रेस कीजिए तो ये देखिए मैंने प्रेस करी, कुछ भी कोई भी की आप प्रेस करेंगे तो ये किसी भी की पे लग जाएगा ठीक है। जैसे सेव किया, मैं फिर से चला के दिखाता आपको, पी को प्रेस करता हूँ ठीक है, ये देखिए एंटर को कीजिए, फिर डी कीजिए, आप कुछ कोई भी माउस, जब इसमें केवल चार की काम नहीं करेंगे ठीक है आपकी, वो कौन सी, एरो की, जैसे की अप, की डाउन और जो राइट साइड और लेफ्ट साइड की कीज होती है ना एरो की, अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो उस समय आपका ये काम नहीं करेगा। बाकी आप कुछ भी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिविटी चल जाएगी ठीक है, ये इवेंट्स का कॉल हो जाएगा आपका। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, माउस की और कीबोर्ड की,
नेक्स्ट उसमें हम इवेंट जो भी देखेंगे वो इवेंट्स होंगे आपके विंडोज इवेंट्स। विंडोज इवेंट्स भी सेम है, बॉडी के अंदर लगते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड इवेंट्स का यूज किया वैसे ही विंडोज इवेंट्स का भी यूज करेंगे, ठीक है।